नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज हम एक ऐसे पीजी कॉलेज के बारे में बात करेंगे जो दिन प्रतिदिन अपनी बेहतरीन गतिविधियों के कारण चर्चा में बनता जा रहा है। जी हां, इन दिनों राजधानी देहरादून में विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में 29 फरवरी 2024 को SMR जनजातीय पीजी कॉलेज सैया अर्थात सरदार महिपाल राजेंद्र स्नातकोत्तर जनजातीय पीजी कॉलेज सैया के छात्र छात्राओं ने विधानसभा की कार्यवाही में भाग लिया। विधानसभा में जहां विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के द्वारा छात्र छात्राओं का परिचय करवाया गया, तो वहीं छात्र छात्राओं के द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से भी शिष्टाचार मुलाकात की गई। हम आपको बता चले कि इससे पहले SMR जनजाति पीजी कॉलेज सैया के छात्र छात्राओं के द्वारा अनेकों नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान रैली भी निकाली गई और समय समय पर इस तरीके की रैली निकालने का काम करते रहे और इसीलिए हाल ही में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान को लेकर एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी उन्होंने प्रतिभाग किया था, जिसमें कि ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर, दून विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर, जबकि SMR जनजाति पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं की प्रस्तुति तृतीय स्थान पर रही थी। इसलिए प्रदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की सूची में अपना नाम सम्मिलित करना एक जहां सुकून भरी खबर है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय अभिभावकों से भी हम एक अपील जरूर करना चाहेंगे कि कुछ छात्र, कई ऐसे जौनसार वर्ग के छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए राजधानी देहरादून जैसे शहरों में महंगे कमरे लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे छात्र छात्राओं को, और आज जब कनेक्टिविटी का दौर है, जब घर बैठे आप कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है, तो कहीं ना कहीं जनजातीय पीजी कॉलेज सैया, SMR जनजातीय पीजी कॉलेज सैया उन लोगों के लिए घर बैठे उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल करने का केंद्र बन रहा है। इसके अलावा पलायन और स्थानीय रोजगार की दृष्टि में भी SMR जनजातीय पीजी कॉलेज सैया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम आपको बता दें, हाल ही में दर्जनों स्थानीय युवक युवतियों के लिए SMR पीजी कॉलेज रोजगार देने का माध्यम भी बन रहा है। आज हम उस दल की बात कर रहे हैं जो कि SMR जनजाति पीजी कॉलेज का दल एक विधानसभा सत्र की कार्रवाई देखने के लिए विधानसभा देहरादून पहुंचा था, पर जो छात्र पॉलिटिकल के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए इस तरीके की प्रैक्टिकली क्लासे, जो जिस तरीके की विधानसभा सत्र को उन्होंने देखा, वो उनके जीवन में और भी निखार लाने का काम करेगा और कहीं ना कहीं राजनीतिक के क्षेत्र में एक विशेष जानकारी वो हासिल कर पाएंगे। साथ ही इस विधानसभा सत्र के दौरान किस तरीके से विधानसभा में कई मुद्दों पर डिबेट की जाती है, कहीं राजनेता अपने वक्तव्य को रखते हैं, कैसे किस तरीके का सलूक वहां पर होना चाहिए, किस तरीके की भावनाएं और किस तरीके की सभ्यता विधानसभा सत्र के दौरान होनी चाहिए, उससे भी कहीं ना कहीं छात्र जो है बहुत करीबी से रूबरू हुए हैं। आइए जानकारी आपको सीधा ले चलते हैं राजधानी देहरादून में, जहां विधानसभा सत्र के बाद छात्र छात्राएं जो है मीडिया से भी रूबरू हुई है, क्या कुछ कहा है उन्होंने इस नए एक्सपीरियंस को लेकर, सीधा ले चलते हैं खास खबर में ग्राउंड जीरो राजधानी देहरादून। ठीक है, आज हम यहाँ पे बजट सत्र को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। किस प्रकार की गतिविधियाँ हमारे समाज के लिए विधायक व सभी नेता लेते हैं और किस प्रकार से जो है इसे देहरादून या उत्तराखंड के लिए किस प्रकार के निर्माण और किस प्रकार के नियोजन, किस प्रकार के जो गतिविधियाँ हैं उनको शामिल किया जा रहा है। और मेरे साथ जो है मेरे 18 छात्र छात्राएं व हमारे आदरणीय चेयरमैन सर व हमारे प्रोफेसर शामिल हैं। आज हम इस गतिविधि को देखने के उपरांत यह अनुभव करेंगे कि किस प्रकार से संविधान प्रशासन हमारे लिए कार्य करता है। ठीक है, जो पहली बार जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है यहाँ पे विधानसभा में आने का, तो सर हम इसके हमारा कॉलेज और यहाँ की जो जिन्होंने भी हमें मान्यता प्राप्त की, हम जा रहे हैं। और सर पहली बार जब हम यहाँ पे आए हैं तो सर हम बहुत उत्साहित हैं कि हमें नई नई जानकारी सीखने को मिलेगी कि बजट जब सत्र होता है तो क्या क्या चीज़ें होती है और किस प्रकार बजट सत्र के बारे में इसके बारे में चर्चा की जाती है और किस प्रकार हमारे जो नेता लोग हैं उनसे सवाल किए जाते हैं और क्या क्या इसमें होता है और किस प्रकार हमें बजट सत्र का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है सर, मेरा नाम अजीत सिंह चौहान है, मैं SMR पीजी कॉलेज सैया से हूँ। मेरा नाम रिंकू दास भारती है और मैं सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय पीजी कॉलेज सैया में राजनीति विज्ञान का सहायक प्राध्यापक। आज आपके स्कूल के जो छात्र छात्रा यहाँ पर पहुंचे, सदन की कार्रवाई हुई, आपने भी देखा होगा किस तरीके से अब तक के सारी चीज़ों को नोटिस किया गया, क्या कुछ रहा आज देखने में। जी सर, ये
जितने भी छात्र छात्राएं आज विधानसभा में 18 जो छात्र छात्राएं हैं ये सभी विधानसभा में बजट प्रक्रिया को जानने के लिए, बजट कैसे पेश किया जाता है, इस पर कैसे सवाल उठते हैं और कैसे उस पर चर्चाएं होती है, उन सभी प्रत्यक्ष कार्रवाई को देखने के लिए यहाँ उपस्थित ठीक है।